अमिताभ तिवारी जी, शुरुआत तो वही हुई थी नंदनी दूध और उसके वर्सेस अमूल, और 15% नहीं 40% का रेट है कि 80% का रेट है, भ्रष्टाचार का दिस दैट, पानी बिजली सड़क, ये जो तमाम बातें होती हैं हर चुनाव में हर जगह। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, वो सब मुद्दे बकस में बंद हो गए। दोनों तरफ से यही जो मुद्दे अभी हम लोगों ने दोहराए हैं, यही मुद्दे सतह पर रहे। आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या कर्नाटक इन्हीं मुद्दों पर वोट करेगा, यानी PFI, बजरंग दल, बजरंग बली, मुस्लिम आरक्षण, केरला फाइल्स, और क्या है इस टाइप का जो पूरा एक नैरेटिव है? देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पे शुरू में तो जैसा आपने कहा एक बहुत टाइट कैंपेन चलाया जो कि लोकल इश्यूज पे फोकस था, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में आकर के जो उनका कैंपेन था वो पटरी से उतर गया। आपको सांप का स्टेटमेंट आ गया, फिर आपको बजरंग दल को बैन करने के में किसी ने मैनिफेस्टो में लिख दिया। बताइए, मतलब कांग्रेस पार्टी में किसी ने मैनिफेस्टो पढ़ा ही नहीं किया, कैसे किसी ने लिख दिया, मतलब ये वो भी दर्शाता है इस बात जी। हालांकि कर्नाटक या किसी भी राज्य के चुनाव में लोकल इश्यूज ज्यादा डोमिनेट करते हैं। जब भी प्रधानमंत्री या अमित शाह जी या नेशनल लेवल के कोई लीडर जाता है, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग अमूमन नेशनल इश्यूज पे बात करते हैं, क्योंकि ये लोकल इश्यूज पे बात तो वहां के लोकल लीडर्स करते हैं। अब राज्य चुनाव में लोकल इश्यूज का बोलबाला तो रहेगा ही, हर एक बात जो हो रही है, चाहे बजरंग दल की हो, चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन की हो, हर एक मुद्दे का ऑडियंस तो है, लेकिन वो कितना बड़ा है ये कह पाना तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। हिंदुत्व का मुद्दा अभी तक कर्नाटक में, कोस्टल कर्नाटक अगर छोड़ दें और नॉर्थ में कहीं कुछ भागों को छोड़ दें, तो हिंदुत्व का मुद्दा उतना नहीं चलता है। टीपू सुल्तान का भी मुद्दा आपको ध्यान होगा बहुत पहले चला करता था, लेकिन ओल्ड मैसूर जो क्षेत्र है उसमें BJP अभी भी नंबर 3 पार्टी, जहां भी लिटरेसी लेवल हाई होती है, जैसे बैंगलोर अर्बन क्षेत्र जहां ज्यादा होता है, वहां भी हमने देखा है कि हिंदुत्व और पोलराइजेशन ये सब मुद्दे ज्यादा। ठीक है अमिताभ भाई, आते हैं दोबारा मैं आपके पास जी, संजय राणा के पास चलूंगा यही प्रश्न, फिर दोनों राजनीतिक दलों के पास जाऊंगा जिनको, एक को सरकार बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है और एक को सरकार हासिल करनी है, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बात मैं कहूँ, जो बात अमिताभ जी कह रहे थे उसमें मेरा एक दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। पिछले 10 वर्षों से देश के मानस में ये बात आई कि जिन लोग हम लोग जिस इस थॉट प्रोसेस से गुजरे हैं पत्रकारिता में और चुनावों को देख के, उसमें रहता कि नहीं पानी बिजली बहुत जरूरी है, सड़क और BSP बोलते थे, बिजली पानी सड़क, और ये तो हर जगह प्रभावित थे। हमने फिर ऐसे चुनाव भी इसी देश में देखे अमिताभ जी, जिसमें लोगों ने कहा पानी बिजली सड़क राशन छोड़ो, पहले इस मसले को सुलझाएंगे, क्या बोले छोड़ो जी, दूसरी पार्टी ने कहा भी कि उससे तुमको पानी मिल जाएगा, बोले ना मिले लेकिन अब की वोट यहीं देंगे, क्या इसी देश में हुआ, पढ़े लिखे इलाकों में हुआ। भाई दिल्ली में कम पढ़ा लिखा आदमी है नहीं, और दिल्ली से ज्यादा पानी बिजली और झाड़ू पोछा कहां होगा, कहीं नहीं, सारी सीटें BJP जीती। क्या कर्नाटक वो प्रयोगशाला बनने जा रही है, क्योंकि इस बार 10-12 दिन केवल वही मुद्दे जेरे बहस रहे हैं। संजय राणा, वही प्रश्न आपसे, क्या कर्नाटक PFI वर्सेज बजरंग दल ये स्थूल नैरेटिव है और इसका बड़ा नैरेटिव, अदृश्य नैरेटिव आप समझ ही रहे हो, कहो तो हम बोल दे, एक आबादी एक तरफ, दूसरी आबादी दूसरी तरफ, ठीक। हालांकि लोग इसको कह रहे संकोच करते हैं, लेकिन लड़ाई इसी की लड़ रहे हैं सब। मुझे पता नहीं परसेंटेज में कितना है वहां डिवीजन, लेकिन लड़ाई उसी की हो रही है। जब आप बोलते हो हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे और दूसरा बोलता है हम आरक्षण मुस्लिमों को नहीं देंगे, तो सीधी बात हो जाती है। क्या आपको लगता है ये चीज प्रिवेल करेगी, संजय राणा?
गुड इवनिंग अमिताभ जी, गुड इवनिंग फेलो। जी देखिए, ऐसा है कि बिजली पानी सड़क का जो एक हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, हमारे मित्र बोल रहे थे, राजनीतिक विशेषज्ञ, ये बड़ी पुरानी बात हो चुकी है, 2000 पहले की बात है। आजकल की जो चुनावी लड़ाई हो गई वो डेवलपमेंट की हो गई है, देशभक्ति की हो गई है, पेट्रोलिज्म की हो गई है, देश की बात होगी, हिंदू मुस्लिम की होगी, थोड़ी चीजें बदल चुकी हैं 2014 के बाद से। अब आप आते हैं मुख्य प्रश्न में, जो आपने पूछा कि क्या पीएफआई वर्सेस रेस्ट, तो नो डाउट ये पीएफआई वर्सेस रेस्ट तो हो ही गया है। जो नैरेटिव अभी बजरंग दल पे जो बैन लगाने की बात हुई है उस पर नैरेटिव बदल गया, नो डाउट। जब चुनाव स्टार्ट हुए थे अमिताभ जी, तो जो हवा थी, एक तरह से लोग जो लिबरल मीडिया चला रही थी, एक हवा थी कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एज ले रही है, तो वो हवा थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, समय मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। और मैंने आपके डिबेट में पहले बोला था कि प्रधानमंत्री का 20 तारीख से, 20 अप्रैल के बाद से जो उनका रैली और जो उनका रोड शो हो रहा है, उसके बाद से गणित बदलेगी और गणित को समझने की बहुत जरूरत है, बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम इसको आकलन करने लगे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। देखिए, आपने देखा होगा अभी वोकालिंगा की, सॉरी ओल्ड मैसूर की बात हो रही थी, बेंगलुरु जिसमें ओल्ड मैसूर का पार्ट है, इसमें कभी भारतीय जनता पार्टी बेंगलुरु को छोड़ के बाकी जगह स्ट्रॉन्ग कभी नहीं रही है, क्योंकि एक वोटर है जो बिलीव करता है भारतीय जनता पार्टी के एनर्जी में, कई वोटर नहीं करते, यानी जो पूरा 80 तकरीबन 70-80 का सीट है वो बिलीव नहीं कर, उसपे इस समय भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा फोकस है, और जेडीएस का एक तरह से वोट बैंक है, ओल्ड मैसूर वोकालिंगा वोट बैंक इसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसपे उनका टारगेट है। और आपने देखिए, लास्ट तीन चार दिन से देखिए जो प्रधानमंत्री के शो हो रहे हैं, जिस तरह से रोड शो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने प्रचार कर रहे हैं, उससे चीजों को पूरा का पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बदल गया है। जो भारतीय जनता पार्टी 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी लग रहा था कि 70-80 में निपट जाएगी, वो 100 के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। ये जो चेंज हुआ है तकरीबन एक हफ्ते में चेंज हुआ, सारी गणित बदली है, एक हफ्ते में बदली है। ठीक है संजय राणा, चंद्रेश जी, अच्छा बाकी सब बात ठीक है, जीत हार तो तेरे को पता, लेकिन ये मैं ढूंढ रहा हूं, मैंने कांग्रेस के अपने बड़े मित्रों से भी पूछा कि भाई आपके यहाँ ये कौन लिख गया था पीएफआई बजरंग दल बैन करेंगे, जिससे पूछो वो कहता हम पता ही नहीं भाई साहब, हम भी ढूंढ रहे हैं। कोई ओपी खुले में रख दिया था घोषणा पत्र का ड्राफ्ट कि आओ 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 अपनी चाहे जो इसमें छाप दो, नहीं, और अगर सम्मति से लिखा तो फिर बुद्धि पर तरस, नहीं तो उसको ढूंढ के तो दंडित करो जो इसमें ये डाल गया बवाल। पिया भाई, आपको पता है ये राज्य का चुनाव है, भूमई आ जाए तो नहीं कर सकते बैन किसी को, सिद्धरमैया आ जाए, शिव कुमार आ जाए, वो नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा पीएफआई पे डबल बैन लगा दोगे, दो ताले लगाओगे, एक तो लगा ही हुआ केंद्र का, आप क्या करोगे, बैन कहां लगाओगे, बोले नहीं मेन दरवाजे पे केंद्र ने लगा दिया, हम खिड़की में लगाएंगे, ऐसा थोड़े ना है, मकान थोड़े ना है, संगठन तो बैंड है। ऐसी बेसिर पैर की बात, अच्छा क्यों, मतलब मन की मौज में कर दिया आप लोगों ने, बोले अच्छा चलो करके देखते हैं, जैसे बच्चे होते ना, बोले बिजली के प्लक में हाथ दे के देखते हैं क्या होता है, ऐसे दे दिया, क्या चिंतन था चंद्रेश जी? अमिताभ जी, कर्नाटक के चुनाव में शिवोहम हो चुका है जी, अब वहां कोई बजरंग दल का और बाकी का कोई मतलब नहीं रह गया है। महत्वपूर्ण बात आज देश के अंदर ये है कि मणिपुर दंगे की आग में झुलस रहा है और देश का प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव में सांप्रदायिक रंग रंगने की कोशिश कर रहा, यह इस देश पे चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को मणिपुर में जाकर देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और संप्रभुता की रक्षा के लिए जहां पहल करने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए, वो जाकर कर्नाटक के चुनावी रंग को सांप्रदायिक रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक बजरंग दल की बात है, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं बजरंगियों का जानता हूं, ये पार्क में जाकर लड़के बैठते हैं, उनको ये रोकने की कोशिश करते हैं, ये तलवार लेकर मस्जिद के आगे प्रदर्शन करने का काम करेंगे, सड़क पर दंगा फैलाने का काम करेंगे, सांप्रदायिक भाषण देने का काम करेंगे। और कोई भी संगठन हो अमिताभ जी, यदि ऐसा लगता है कि वह देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न कर सकता है तो उसको बैन करना लाजमी है और होना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव पर जो बली बली का नारा लगा रहे हैं, तो ये मैं बता दूं, हम लोग बजरंग बली के अनन्य भक्तों में से एक हैं, और बजरंग दल पर जब इतना ये बोल रहे हैं, यदि बजरंग दल का बजरंग बली से संबंध जोड़ रहे हैं, तो जब उसी गोवा में सेना को बैन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, तब प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं चिल्लाया?
ये मुद्दा तो उठना चाहिए, श्री राम सेना को गोवा में किसने बैन किया? तो कम से कम संगठनों का देवी देवी देवताओं से नाम न जुड़े। और दूसरी बात, अमिताभ जी, प्रियंका गांधी जी लगातार कह रही है कि कर्नाटक का चुनाव मुद्दे पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आप आइए, बिजली पर, सड़क पर, पानी पर, सुरक्षा पर बात करिए। भैया चंद्रेश बाबू रुको, मैं जरा सतीश लखेला जी को भी बहस मिला। ठीक बात जी, कर्नाटक में शिवोहम हो चुका है, शिवोहम हो, ठीक ठीक, बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, उसमें कोई संशय नहीं है। अरे कुछ 13 तारीख के लिए भी रखो, सब आज ही घोषणा कर दोगे, शपथ ग्रहण भी करा दोगे, तो फिर 13 को क्या करेंगे हम लोग? ताला बंद रखेंगे? ऐसा नहीं करो। सतीश जी अब आपके पास आता हूं, लेकिन ये दो बातें मैं कहूंगा, जो बात कांग्रेस ने कही उस पर आप पहले सीन क्रिएट करते हो, उसके बाद कहते हो कि हम तो कह रहे मुद्दों पर बात करो। ये किसने झंझट फैलाया कि पीएफआई को बैन करेंगे? ये मूर्खतापूर्ण बात थी, ये गैर व्यवहारिक बात थी, ये कानून का उल्लंघन था। राज्य का चुनाव हो रहा, कोई किसी को बैन कर ही नहीं सकता, ये क्यों लिखा? अब लिखने के बाद जब उस पर प्रतिक्रिया आ गई तो कह रहे हमारी तो प्रियंका जी कह रही है कि पानी बिजली पे आ जाओ, चुनौती दे रहे। तो ये नहीं पहले नहीं समझाया था ड्राफ्ट लिखने वालों को कि बवाल नहीं करना? जब आपके हाथ में ही नहीं वो चीज, रपट पड़े तो हरिगंगा नहीं चलेगा मित्र। आपने बौद्धिक स्तर का प्रदर्शन ही नहीं किया, और वो राज्य वो है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जाके। अभी कोई पढ़ा लिखा आदमी आपसे पूछे कि आप तो बैन कर ही नहीं सकते, दिल्ली में आप है नहीं, केंद्र के सरकार में आप है नहीं, राज्य से कुछ हासिल नहीं, तो आपने ये क्यों लिखा? तो क्या जवाब देंगे इसका आप? प्रियंका जी की फोटो दिखाएंगे? प्रश्न का उत्तर होता है तर्क के साथ। सतीश लखेड़ा जी सब आ गए, शंकर जी आ गए, हनुमान जी आ गए, बजरंग बली का गदा आ गया, जय जय बजरंग बली हो गया, और सब हो गया। आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, फिर उसके बाद कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, आपने कुछ कहा तो कांग्रेसी फिर अति उत्साह में आ गए, तो उनने कहा हम कर्नाटक के हर शहर में हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। क्या वो इतना आगे तक चले गए? इसका मतलब है कि पूरा मामला जय बजरंग बली हो गया। लखेड़ा जी तो बजरंग बली को चुनाव में उतार दिया, आप सब लोग मिलके बोले भाई बजरंग बली वोट करो। अमिताभ जी हम तो सरकार में है कर्नाटक में, इसलिए हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गए। हमने कहा कि प्रत्यक्ष रोजगार यह सरकार की योजनाओं के तहत 55 लाख रोजगार हमने दिए, डाटा लेके गए। हमने 37 लाख इज्जत घर की बात की, 27 लाख उज्ज्वला गैस की बात की, 7 लाख पीएम आवास की बात की, जो एक राजनीतिक दल को अपनी उपलब्धि दिखानी चाहिए कि हमने 54 लाख किसानों को सम्मान निधि दी है, 3 IIIT बना दिए, 7 मॉडल यूनिवर्सिटी बना दिए, 11 एयरपोर्ट बना दिए। यही तो एक राजनीतिक दल कहेगा हमने 5 सालों में क्या किया। सर्वाधिक हम निवेश लाए हैं, तुमकुर में एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी लगा दी, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। मगर उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब जहरीला सांप कहा, फिर उनके नवासे ने कहा कि नालायक बेटा, और उसके बाद इनका घोषणा पत्र आया जिसमें इन्होंने पीएफआई और बजरंग दल की बात की। और दूसरी बात, मैं कुछ जितनी भी डिबेटें मैं देख रहा हूं या जिसमें भाग लेता हूं, कांग्रेस के लोग भूल कर भी और जेडीएस के लोग पीएफआई पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि लगातार पीएफआई को अपनी तरफ खींचने के लिए दोनों में कर्नाटक में प्रतिद्वंदिता चल रही है। और मैं चुनाव के कार्यकर्ता के रूप में मैं देख रहा हूं, सारे चैनल पे स्थानीय प्रवक्ता भी उन पार्टियों के पीएफआई पे नहीं बोल रहे हैं। मगर जब इन्हें लगा कि मामला उल्टा पड़ रहा है, तो जगह जगह मंदिर बनाने की बात हो रही है, दत्तात्रेय गोत्र वाले लोग फिर कह रहे हैं कि हम भगवान को मानते हैं, किस तरह प्रभु राम में रोड़े अटकाए और किस तरह बजरंग बली का विवाद उन्हीं की जन्मस्थली वाले राज्य में कर दिया। ये इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है कि कांग्रेस ने विकास के मुद्दे को ला करके डिरेल कर दी पूरी बहस, और उसका खामियाजा उसी को भुगतना पड़ा। क्योंकि कर्नाटक के विद्वान लोग जानते हैं, वो अपने अगल बगल एक बदलता हुआ कर्नाटक देख रहे हैं, सड़कों का निवेश देख रहे हैं, 1 लाख करोड़ से 19,000 किलोमीटर 29,000 के एक्सप्रेसवे बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। हम उसी मुद्दे पर बात करना चाहते थे, हमारा रिपोर्ट कार्ड भी वही था, और वैसे हमने आगे का संकल्प पत्र जारी किया था, मगर इसको बदला कांग्रेस ने।